अगर मैं आपसे कहूं कि इस अमृत काल में पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी आप और हम जैसे आम नागरिकों को संघर्ष करना पड़ रहा हो, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में, तो इसे अतिशय नहीं कहा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसे राष्ट्रीय शर्म घोषित कर देना चाहिए कि दिल्ली के नागरिकों को, जिन्हें फ्री पानी अवेलेबल कराने का वादा किया गया था, वो एक एक पानी की बूंद के लिए मोहताज हैं, वो भी इस भीषण गर्मी में। पानी के लिए सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं और टैंकरों के द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इन टैंकर माफियाओं को मालूम है कि पानी की जितनी कमी होगी उनकी उतनी ज्यादा वृद्धि होगी। जो राज्य एक तरफ फ्री पानी बांटने का दावा करता है, वो राज्य टैंकरों से भी पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि टैंकर माफियाओं ने जन्म ले लिया है। जब टैंकर पहुंचते हैं पानी सप्लाई करने के लिए, तो जानवरों की तरह उस टैंकर पर कूदते हैं लोग। ये हालत कर दी है इस फ्रीवीज की कहानी ने दिल्ली जैसे राज्य की। अंत में भारत का भी यही हाल होगा। अगर हम नहीं जागे, हमें ये समझ में नहीं आया कि संसाधनों को जिस प्रकार से राजनीति के लिए बांटा जा रहा है, उसका अंत में दुष्परिणाम हम ही लोग भुगतेंगे। हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिरकार दिल्ली की यह हालत हुई कैसे, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और आगे किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। आइए विस्तार से बात करते हैं। मुद्दा यह है कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली का आम नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, क्योंकि पानी की सप्लाई और पानी की डिमांड के बीच में एक गहरी खाई है जो पूरा नहीं हो पा रही है। 3,38,00,000 जनसंख्या वाला ये राज्य प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की मांग करता है, पर सप्लाई केवल 100 करोड़ गैलन ही हो पा रहा है। प्रतिदिन 29 करोड़ गैलन पानी का डेफिसिट हो रहा है, कमी आ रही है। इसी कमी के चलते दिल्ली आज जल संकट से जूझ रहा है। क्या है जल संकट के कारण? जब इन कारणों को समझेंगे तब इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आइए एक एक करके हम इनके कारणों को समझते हैं। पहला कारण है यमुना नदी में पॉल्यूशन का बढ़ जाना। दिल्ली में अधिकांश जल की आपूर्ति यमुना नदी से होती है, जिसके लिए कई सारे ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, पर पॉल्यूशन की वजह से, गादीकरण की वजह से, ये ट्रीटमेंट प्लांट अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जल संकट गहराता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वजीराबाद का बैराज, अगर वो फुल पोटेंशियल से काम करना शुरू कर दे तो कुछ हद तक दिल्ली के जल संकट को कम किया जा सकता है। दूसरा है इस भीषण गर्मी में हीट इंडेक्स दिल्ली का 50 के पार जा चुका है। हीट इंडेक्स बढ़ने से वाटर की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो सप्लाई है उसके बीच में गैप आने के कारण ही यह संकट उत्पन्न होता जा रहा है। तो ये दूसरा एक कारण माना जा सकता है। तीसरा कारण है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना। ACC की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर का 99% यूज कर लिया गया है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मिट्टी के अभाव में जब वर्षा होती है तो पानी इनफिल्टर होकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता है, जो निश्चित तौर पर ग्राउंड वाटर की कमी के कारण दिल्ली में जल संकट पैदा कर रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होना। जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं उनमें जो लीकेज हो रहा है, रिपोर्ट बताती है कि 20% पानी लीकेज हो जाता है। अगर यही 20% पानी के लीकेज को रोक दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि संभवतः दिल्ली में जल संकट की कमी को कम किया जा सकता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का वीकनेस भी दिल्ली के जल संकट का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। और अंतिम जो प्रमुख कारण मानता हूं वो है मिसमैनेजमेंट। जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं पुरानी और नई, उनके बीच में तालमेल ना हो पाने की वजह से, जैसे मुनाक कनाल, उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो नई और पुरानी परियोजनाओं के बीच में तालमेल ना हो पाने की वजह से है। दूसरा, आप सरकार के द्वारा जो फ्री वाटर सप्लाई पब्लिसिटी के लिए किया गया या फिर वेलफेयर के लिए जिस भी उद्देश्य से किया गया, उसकी वजह से भी यह वाटर संकट आया है। इसीलिए संसाधनों का वितरण बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से फ्रीबीज के रूप में संसाधनों का वितरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। अब इन कारणों के प्रभाव क्या हो सकते हैं उस पर भी एक नजर मारते हैं। जल संकट के ढेर सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, पर मैं कुछ को चिन्हित कर रहा हूं, ऐसे नकारात्मक प्रभाव जिनकी चपेट में आप लोग भी आने वाले हो अगर समय रहते अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठाई तो। क्योंकि जितने भी राजनेता हैं वो मन से खड़े होकर ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे वादे करते हैं, जिन वादों के पूरे होने से हमारे आम जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो उन पर कभी चर्चा नहीं करते। पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, दिन की शुरुआत ही पानी से होती है।
तो जब इसके नकारात्मक प्रभाव को आप गहराई से देखोगे तो पहला नकारात्मक प्रभाव होगा पानी की कमी की वजह से, वो है आपस में वैमनस्यता। भाई पानी की कमी है किसी क्षेत्र में जहां नल लगा हुआ है, पानी को पाने के लिए लाइन लगाओगे, कौन आगे आया कौन पीछे लगेगा, इसको लेकर लड़ाइयां होती हैं और हो रही हैं। आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा, एक दूसरों के सर फोड़ देते हैं और उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, आपस में बैर उत्पन्न हो गया सिर्फ पानी की वजह से। यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है, पर इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चर्चा हम उन मुद्दों पर कर रहे हैं जिससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, और जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है उसको लेकर हम आपस में लड़ सकते हैं, पर हम नेताओं से या उन अधिकारियों से नहीं लड़ सकते जो हमें उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव है वो है टैंकर माफिया को लेकर। पूरे दिल्ली में एक नया माफिया उत्पन्न हुआ है, टैंकर माफिया। ये किसका फेलुअर है? उस सरकार का जो ये वादा कर रही थी कि हम फ्री पानी उपलब्ध कराएंगे, हम फ्री बिजली उपलब्ध कराएंगे। क्या ये समझ में नहीं आता है कि जिस देश में जनसंख्या ज्यादा हो संसाधन कम हो, वहां संसाधनों का वितरण बहुत सोच समझ के करना होगा। जब संसाधनों को इस प्रकार से बांटा गया है तो इस प्रकार के जल संकट तो आने ही थे, हमने सवाल नहीं पूछे। हमने उनको ऊपर इसलिए बैठाया है जिससे कि वो संसाधनों का वितरण ऐसे करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का प्रयोग कर पाए। जिस देश में सतत विकास की बात की जा रही हो, उस देश में वर्तमान में ही संसाधन का अभाव हो जाए तो आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी, ये तो आप खुद सोच लीजिए। जिस टैंकर माफिया के द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है वो मनमर्जी पानी सप्लाई कर रहा है। जिसका तीसरा प्रभाव है कि पानी की कमी की वजह से पानी की गुणवत्ता कम होती है, वो पानी हमारे बच्चे पिएंगे, हमारे बच्चों को पानी से होने वाली बीमारियां होंगी और उन बीमारियों में हमारा पैसा जाएगा। तो जो हमारा आर्थिक हालात है वो और बद से बदतर हो जाएगा इस पानी के अभाव में। अभी भी समय है, आवाज उठाइए, अपने मूलभूत अधिकारों की आवाज उठाइए। 2024 में अगर हमें पानी के लिए भी लड़ना पड़ रहा हो तो फिर समझिए कि आगे हमारे देश के क्या हालात होने वाले हैं। वो इसमें सबसे गंदा जो फायदा होने वाला है, या मैं कहूं प्रभाव होने वाला है, वो है पॉलिटिक्स। अगर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पानी का अभाव इसलिए है क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा पानी की सप्लाई नहीं कर रहा है। और पड़ोसी राज्य अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि हम तो पानी सप्लाई कर रहे हैं, तुम ही उसका मिसमैनेजमेंट कर रहे हो। आप सोचिए इन दोनों की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नुकसान किसका हुआ? वो आम नागरिक जो इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। तो हमने ये समझा कि दिल्ली जल संकट का मुद्दा क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है जिसकी वजह से यह समस्या बनी हुई है, और हमने यह भी समझा है कि अगर यह समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो उसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे और हो भी रहे हैं। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन के लिए पहले हमें कुछ कमियों पर प्रकाश डालना होगा। सबसे पहले आप इसे समझिए कि भारत में लगभग 33% हम भारतीय ऐसे हैं जो टॉयलेट या ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी एक माइक्रो हैबिट बनानी होगी, ब्रश करने के बाद तुरंत दिमाग में रखना है कि हमें नल बंद करना है। कहीं भी आपको टप टप की आवाज आए, पहले नल बंद करो। आप यकीन रखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दूसरा, सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां जहां पानी का लीकेज है, पाइप लीकेज जहां हुए हैं, रैलियों में पैसा खर्च करने से अच्छा है, प्रचार में पैसा खर्च करने से अच्छा है उस पैसे को बचाओ, और भारत में जहां जहां लीकेज की समस्या है बड़ी पाइपलाइन या छोटी पाइपलाइन में, उस लीकेज की समस्या को रोकें। अगर लीकेज की समस्या अगर रुक जाती है तो भारत में 20% जल संकट को कम किया जा सकता है। तीसरा, मैं सभी भारत के नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि जो भी पानी हम लोग यूज करते हैं उसका 30% हम व्यर्थ कर देते हैं, चाहे वो नहाने में हो या अन्य काम करने में हो। मैं घरेलू महिलाओं से ये निवेदन करूंगा कि वाटर को रिसाइकल करना सीखें। जैसे जिस पानी से आपने कपड़े धोए हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं, सर्फ से या साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसको एक बार धोने के बाद उस पानी को फेंक देते हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि उस पानी के लिए हम सीधे व्यर्थ ना बहाएं, पहले सभी कपड़ों को एक साथ उस पानी में धो लें, पानी पूरी तरह से गंदा हो जाए तो उसके लिए भी हम पानी को कहीं संग्रहण कर लें जो कि फ्लश में डालने के काम आ सकता है या कहीं और काम आ सकता है। कोशिश कीजिए कि जब आप घर बनवा रहे हों, या सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार का इनिशिएटिव होना चाहिए जिसमें वाटर का रिसाइकल हो, जैसे कि कपड़े धोने वाला पानी हो, बर्तन धोने वाला पानी हो जो कि एक बार धोने के बाद मिसयूज हो गया है, अगर उसको रिसाइकल कर दिया जाए और एक ऐसी टंकी में रख दिया जाए जिसका कनेक्शन हमारे टॉयलेट से हो, फ्लश करने में हो, तो फ्लश में कैसा भी पानी जाए क्या फर्क पड़ता है, तो उसी पानी का हम बार बार यूज कर पा रहे हैं, तो जो पीने योग्य पानी है उसको हम बचा पाएंगे।
पानी को कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर पानी को हम मल्टीपल कैटेगराइज कर लेते हैं और उसका रिसाइकल करना सीख जाते हैं तो पानी की समस्या से निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जहां जहां वाटर रिचार्जिंग हो सकती है, वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, उस इनिशिएटिव को हमें बढ़ाना चाहिए। जो लोग नए नए घर बनवा रहे हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगवाएं। आपके नगर निगम के द्वारा सहायता की जा रही है और सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर इनिशिएट किया जाए। जब भी ऐड होते हैं, प्रचार होते हैं, तो बड़े बड़े अपने थोड़े मत लगाओ कि मैंने ये योजना लाई है। आप उस योजना को कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है उसके बारे में लिखिए। भारत का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई सरकार अपनी योजनाओं को बताती है तो पहले अपना थोबड़ा घुसेड़ देती है और वो योजना की बातें नहीं लिखती है जिनको अप्लाई करना है। मतलब तुमको ये तो मालूम होगा कि कौन सी योजना लाई गई है, पर उस योजना के लिए कहाँ कागज जमा करने हैं, उस योजना के लिए किस अधिकारी संपर्क करना है, उसकी बात नहीं बताई गई होगी। केवल ये बताते हैं कि देखो ये योजना लाए हैं, पर इसका लाभ कैसे लेना है वो बताने के लिए जगह ही नहीं बची, अपना थोबड़ा घुसेड़ दिया बड़ा वाला। तो सरकारें जो प्रचार करती हैं, उस प्रचार का उद्देश्य इस प्रकार से रखो कि हम जो योजना ला रहे हैं उसको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, हम उसके बारे में भी लोगों को बताएं। और जिन अधिकारियों को उसका नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है उनकी ये दायित्व होनी चाहिए कि लोगों तक, घर तक पहुंचे, तभी तो सुशासन होगा। डोर टू डोर सर्विस कि घर जाकर हम आपको ये इनिशिएटिव दे रहे हैं, खासकर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जहां भी जल की बर्बादी हो, चाहे वो कुत्ते नहलाने में हो, गाड़ी धोने में हो, इस प्रकार की बर्बादी के लिए हमें आपस में सहयोग से बात करनी चाहिए। लड़ना किसी से नहीं है, बस समझाने का प्रयास करना है कि ऐसे अगर हम पानी बर्बाद करेंगे तो दिल्ली जैसे हालात हो सकते हैं, महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे हालात हो सकते हैं, इंदौर में भी कई ऐसी जगह है जहां पर गर्मियों में पानी के टैंकर की आवश्यकता पड़ रही है। तो भविष्य में हम सब लोग जल संकट से ग्रसित होने वाले, यह हमारा मुद्दा है, यह किसी राजनीति या व्यक्तिगत स्तर का मुद्दा नहीं है। इस पर हम सब लोग एक साथ खड़े होकर, राजनीति से दूर होकर इस पर विचार करें और करना भी चाहिए। अगर आपकी कोई सलाह है तो बताइए। मेरे हिसाब से अगर हम इन कामों को करते हैं तो निश्चित तौर पर जल का संरक्षण किया जा सकता है। सेव वाटर, सेव लाइफ।